आखिरकार लंबे समय के बाद भागलपुर से ट्रेन के परिचालन की शुरुआत होने वाली है। 12 सितंबर से ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। जो विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन भागलपुर से दिल्ली की ओर जाती है वो 12 तारीख से जाएगी, और उसके लिए रेलवे की ओर से पहले ही गाइडलाइन जारी कर दिया गया था, इसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था। और आज 10 तारीख को सुबह से ही काउंटर खोल दिए गए हैं जिससे कि लोग अपने टिकट कटा सकें। हालांकि पहले ऑनलाइन टिकट सिर्फ कटाने की स्वीकृति थी, लेकिन रेलवे ने नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब यहां पर काउंटर भी खोल दिया गया, और रोज़ाना यहां से विक्रमशिला एक्सप्रेस पहले की तरह लगातार चलेगी। हालांकि लंबे समय पिछले 25 मार्च से लॉकडाउन लागू किया गया था देश भर में, जिसके कारण रेलवे का परिचालन भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। सरकार की ओर से कोरोना महामारी की सुरक्षा को लेकर बंद किया गया था। तो उसके बाद हालांकि कोरोना के महामारी तो लगातार बढ़ती गई और आज संख्या 44 लाख को पार कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की ज़रूरत और परेशानी को देखते हुए एक निर्णय लिया गया, और इसके तहत जो है 12 तारीख से यहां पर ट्रेन का परिचालन शुरू होगा, और इसके लिए काउंटर भी खोल दिए गए हैं। और लंबे समय से खुलने के कारण जो लोगों को परेशानी हो रही थी लगातार, उसके कारण यहां पर काफ़ी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही यहां काफ़ी भीड़ जुटी रही। हालांकि इस दौरान कई लोगों की ये शिकायत है कि से अब टिकट भी नहीं मिल पा रहा है, अगले एक से डेढ़ माह तक की टिकट बुक हो चुकी है, तो ये परेशानी लोगों को सता रही है। पहले भी यहाँ विक्रमशिला में लोगों को परेशानी होती थी, तो अब इतने 6 महीने के अंतराल के बाद खुलने के कारण ये परेशानी और अधिक दिख रही है। हालांकि बहरहाल एक रेलवे की ओर से एक शुरुआत हुई है और एक कि ये ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाए, जिससे कि लोग धीरे धीरे इन समस्याओं से लगातार अपने गंतव्य तक जा करके अपनी समस्याओं से उबर सकें, और अपने जो रोज़गार की समस्या है उससे भी लोगों को राहत मिल सके। यहाँ हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं उनकी। जी, यहाँ तो हम टिकट लेने के लिए आए थे सर, 1.5 महीना पीछे बता रहे सर, हम लोग सुने कि विक्रमशिला खुलेगी, विक्रमशिला जब खुलेगी तो हम लोग न्यूज़ पे सब उसमें नेट उट पे देखें सर, हम सुने कि विक्रमशिला खुलेगी तो हम लोग सोचे 10 तारीख से टिकट बुकिंग, जब बुकिंग के टाइम पर आए सर सब सारा टिकट बुक हो गया। हम आए थे हावड़ा के लिए टिकट पता करने के लिए, हावड़ा के लिए कोई ट्रेन है कि नहीं, हावड़ा जाने में बहुत परेशानी हो रही है। जब दिल्ली के लिए तो एक ट्रेन मिल गई, सोचते हैं कि हावड़ा के लिए भी अगर ट्रेन मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, माल उल बहुत सारा वहाँ से आना जाना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम बिजनेस करते हैं भागलपुर शाह मार्केट, मेरा दुकान है वहाँ से मेरा माल परचेजिंग होता है, बहुत सा कठिनाई हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो हावड़ा के लिए स्पेशल ट्रेन एक दिया जाए भागलपुर से। टिकट बनाने के लिए आए होते, लेकिन पहले से मालूम होता कि वो जहाँ जाना वहाँ का भी पिन नंबर सारा कुछ चाहिए, एड्रेस, तभी करके बहुत भीड़ लग रहा है यहाँ पे, बहुत परेशानी है सर। गर्मी है, कोई ये नहीं है सर, जल्दबाजी कोई काम नहीं कर रहा है। टिकट मिल गया अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत लेट मिला है सर, सुबह से 10 बजे लाइन में लगा हूँ सर, अभी टिकट मिला है। पहले से मालूम रहता कि सबका नंबर उम्र चाहिए, वहाँ जहाँ जाना वहाँ का भी नंबर चाहिए, तो पहले से कॉन्फर्म सही से भर के लाते। मुंबई जाना है हमें, मुंबई के लिए टिकट यहाँ से नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमको पटना से के लिए मिल रहा है, तत्काल के लिए हमें 4 दिन से यहाँ नंबर लगाना पड़ता है, तब जाके तत्काल टिकट मिल पाता है। हमें यहाँ से ट्रेन, राज्य सरकार हो या जो भी है जैसे भी हो, यहाँ से ट्रेन चलाया जाए मुंबई के लिए, भागलपुर लोकमान्य तिलक के लिए यहाँ से चलाया जाए जैसे भी हो, यहाँ से टिकट। क्या कुछ परेशानी ये हो रहा है कि यहाँ टिकट नहीं मिल पा रहा, यहाँ पूरा भीड़ जमा हो जा रहा है, और ऊपर से यहाँ इस राज्य से गाड़ी नहीं है। परेशानी है सर, हम बहुत परिवार हैं सर, 10 आदमी हैं सर, खाने के लिए भूखे मर रहे सर, यहाँ 1 साल से बैठे हुए हैं सर, घर में कोई रोज़गार नहीं, हम दिल्ली जाने के लिए सोच रहे थे सर अमन बिहार, लेकिन यहाँ बोलता है कि दिल्ली का पिन कोड नंबर चाहिए अमन बिहार का, तब तो टिकट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सर हम तो मूर्ख आदमी सर, हमको तो मालूम नहीं सर, तो हम पिन कोड नंबर कहाँ से बताएंगे सर। तो आपने देखा कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि ये लंबे समय के बाद 25 मार्च से जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद से आज पहली बार यह टिकट काउंटर खुला है भागलपुर में, जो विक्रमशिला एक्सप्रेस 12 तारीख से जाने, यहां से 12 सितंबर से चलने वाली है उसको लेकर। लेकिन टिकट कटाने के दौरान लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और आपने सुना भी कि लोग किस तरीके से अपनी परेशानियों को जाहिर कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने ये समस्या है कि कलकत्ता के लिए या और भी कई जगहों के जाने के लिए जो व्यवसायी वर्ग हैं उनको भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों की यह भी अपील है
कि सरकार से यह आग्रह किया जा रहा है लोगों की ओर से कि आगे और भी जगहों के लिए ट्रेन की शुरुआत की जाए, जिससे कि व्यवसाय के साथ लोगों अपने गंतव्य तक सही समय से पहुंच सके और इतनी लंबी परेशानी के बाद लोग अपने सामान्य जनजीवन में फिर से वापस लौट सकें। और कोरोना महामारी का हालांकि सावधानी का पालन करना सबके लिए आवश्यक है, लेकिन इन सब के बाद लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसको देखते हुए रेलवे को और भी आगे स्टेप लेने की ज़रूरत है और भारत सरकार को भी इसके लिए कई सुधार करने की ज़रूरत है। हालांकि ये एक समस्या, बड़ी समस्या लोगों की आपने सुनी कि ये पोस्ट ऑफिस और पिन कोड का जो नंबर मांगा जा रहा है जो गंतव्य स्थल का, तो वो लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन गया, जिसमें से अधिकतर लोगों के पास ये नंबर या पिन कोड नहीं होने के कारण लोग वापस लौट रहे हैं घंटों लाइन में लगने के बाद भी, तो ये एक परेशानी का कारण है। तो एक और जहां यह परेशानी से छुटकारा मिलने का लोगों को संकेत मिला कि यह ट्रेनों का परिचालन होगा और लोग राहत पा सकेंगे, लेकिन उसके बावजूद एक नई समस्या लोगों के सामने आई, जिससे कि लोग अब भी लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सलमान अनवर के साथ रविशंकर सिन्हा, सिल टीवी, भागलपुर।